महा कार्टून टीवी पियक्कर चुड़ैल। सुनसानपुर गांव में एक बेवड़ी चुड़ैल रहा करती थी। चुड़ैल को शराब पीने का बड़ा ही शौक था। वो गांव के ठेके पर जाकर रात के अंधेरे में शराब की बोतलें चुरा लिया करती थी और जंगलों में जाकर उसे पी लिया करती थी। रोजाना गांव के ठेके से शराब की बोतलें चोरी होती देख सभी ठेकेदार परेशान होने लगे। अपना नुकसान होता हुआ देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कर कौन रहा था। वहीं दूसरी तरफ गांव की औरतों को ये सब देखकर बहुत ही खुशी हो रही थी। पता नहीं बहन, गांव में ये शराब की चोरियां कौन कर रहा है? गांव में होने वाली चोरियों से मैं तो बहुत खुश हूँ। पता है ये रोज रात को कितना पीकर आते थे, लेकिन जब से ये चोरियों की घटनाएं शुरू हुई है ना, तब से वो घर में शराब नहीं सब्जियां लेकर आते हैं गजरा लगा के। कुछ भी कहो बहन, ये चोर हमारे लिए भगवान बनकर आया है। रात में पियक्कड़ पति की झिकझिक सुनने से तो अच्छा है कि हम चोर को वो करने दे जो वो करना चाहता है। सही कह रही हो बहन, गजरा लगा के। पूनम और कांता और गांव की कई औरतें शराब की चोरियों से बहुत खुश थी। वहीं दूसरी तरफ गांव के सारे आदमी इस बात से काफी परेशान थे। गांव में इस तरह की शराब की चोरी पहली बार हो रही थी और चोर का पता लगाना सभी के लिए मुश्किल था, क्योंकि रात में चोर कब आता और कब चोरी करके चला जाता किसी को इसके बारे में भनक तक नहीं लगती थी। बात का पता लगाने के लिए सभी मर्दों ने कुछ सोचा। अरे भैया लोग सुनी, चोर का पता लगाने के लिए हम में से किसी ना किसी को रात में पहरेदारी करनी पड़ेगी। हम रात में दुकान के अंदर ही छिपकर चोर का इंतजार करेंगे और देखते ही हम उसे पकड़ लेंगे और सभी के सामने ले आएंगे। रामलाल का ये आइडिया सभी को पसंद आया, जिसके बाद रामलाल और बिल्लू भाई ने खुद रात ठेके के अंदर गुजारने का फैसला किया। दोनों ने ही अपने पास कुछ भारी हथियार रख लिए ताकि चोर अगर शक्तिशाली हुआ तो वो उस पर साथ मिलकर हथियार से वार कर सके। रात हो गई और रामलाल और बिल्लू भाई ठेके के अंदर चले गए, इस बात से अनजान कि चोर और कोई नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। दोनों बिना डरे उसका इंतजार करने लगे। काफी देर तक भी जब कोई वहां नहीं पहुंचा तो दोनों को ही लगा कि शायद आज चोर चोरी करने के मूड में नहीं है, जिसके बाद दोनों वहां से जाने की सोचने लगे कि तभी उन्हें कुछ आहट सुनाई दी। लगता है वो चोर आ गया। हाँ, हमें भी यही लग रहा है। इसके बाद उन्हें किसी औरत की आवाज आने लगी। आज तो पीने में बहुत ही मजा आएगा, मैं अकेले ही पार्टी करूंगे। खूब चढ़ेगा रंग जब मैं और मेरी तन्हाई शराब का मजा लेंगी। अरे बाबा, ये तो किसी औरत की आवाज है। औरत, वो भी शराब की चोरी कर रही है, ये क्या हो रहा है? बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है, जरा देखे तो ये औरत है कौन। बिल्लू और रामलाल औरत का इंतजार करने लगे, लेकिन जैसे ही दोनों की नजर सामने पड़ी तो वहाँ चुड़ैल शराब की बोतलों की चोरियां कर रही थी और ये देखकर तो उनकी ऐसी की तैसी हो गई। अरे ये क्या देख लिया मैंने, भाई चुप रहियो वरना शराब के साथ साथ हमें भी हजम कर जाएगी। बिल्लू और रामलाल डर से कपकपा रहे थे। वहीं वो चुड़ैल वहां से शराब की बोतलें चुरा कर निकल गई। उसके जाते ही दोनों बाकी गांव वालों की तरफ भागने लगे। अरे भाई, अरे बचाओ, बचाओ, चुड़ैल का साया है इस गांव पर, गांव वालों भागो, हम सब लग गए, लग गए। बिल्लू और रामलाल की आवाज सुनकर सभी गांव वाले जाकर बाहर आ गए।
दोनों को ही इतना डरा हुआ देखकर सभी उनसे इस डर का कारण पूछने लगे, जिसके बाद ठेके में दिखे नजारे को दोनों ने सभी के सामने बयां कर दिया। ये सुनकर सभी गांव वाले काफी हैरान हो गए, जिसके बाद बात का समाधान निकालने के लिए सभी एक तांत्रिक के पास जा पहुंचे, जहां सभी ने तांत्रिक को भी इसकी खबर दी, जिस पर तांत्रिक ने कहा, वो बेवड़ी चुड़ैल अभी तक धरती पर घूम रही है, अरे रे, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। तांत्रिक सभी गांव वालों के साथ गांव के जंगल में पहुंच गया, जहां वो चुड़ैल भंड होकर शराब की बोतलें गटकी जा रही थी। इतने दिनों के बाद शराब पीने का मजा ही आ गया है। वाह, मेरी तो लॉटरी लग गई। ला ला ला, दो पैग मार और भूल जा, दो पैग मार और भूल जा। चुड़ैल को देखकर सभी गांव वाले काफी हैरान थे, वहीं तांत्रिक को उस पर काफी गुस्सा आ रहा था, जिस पर उसने कहा, ओ बेवड़ी चुड़ैल, इस गांव का पीछा छोड़ दे। तूने फिर से ये झोला छाप काम शुरू कर दिया। ज्यादा मत बोल और ये गांव का पीछा छोड़ के चली जा। तू मुझे गांव छोड़कर जाने के लिए बोल रहा है? हाँ, चल चल, अपनी यह झोला गिरी कहीं और जा। इन गांव वालों को बेवकूफ बनाना बंद कर दे। बहुत हो गया तेरा, तू यहाँ से जाती है कि नहीं? अरे गांव वालों, यह कोई तांत्रिक मंत्रिक नहीं है, पागल बना रहा तुम पागल। बस थोड़ा बहुत जादू कर लेता है ये, और कुछ नहीं आता इसको। अरे बहुत हो गया तेरा, अभी तो मजा चखाना ही पड़ेगा तुझे। ये कहकर तांत्रिक ने उस पर एक जादू किया, जिससे चुड़ैल एक जाल में फंस गई। ये देखकर सभी गांव वाले खुश होने लगे। देखा, मैं कोई झोला छाप तांत्रिक नहीं हूँ, फंस गई ना तू मेरे जाल में। हाँ, फंस गई मैं, अब बोल क्या करेगा रे तू। गांव वालों, ये ऐसे नहीं मानेगी, अपने साथ लाए हथियार को लेकर सब इस चुड़ैल पर वार करना शुरू कर दो, आक्रमण। तांत्रिक की बात मानकर सभी चुड़ैल को मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी गांव की सभी औरतें चुड़ैल को बचाने के लिए रास्ते के बीच में आ गई। खबरदार, जो किसी ने इस चुड़ैल को हाथ लगाया तो। अरे ये क्या बोल रही हो, पता है ये कितना नुकसान कर रही है गांव में? कोई नुकसान नहीं कर रही है, नुकसान तो सिर्फ आप लोगों का हो रहा है भाई साहब, गजरा लगा के। हाँ, ये चुड़ैल हमारे लिए भगवान बनकर आई है और हम इसे कुछ नहीं होने देंगे। हैं? एक चुड़ैल, वो भी भगवान? अजी कांता दीदी सही कह रही हैं, गजरा लगा के। जब से चुड़ैल ने शराब की बोतलें चोरी करनी शुरू की है, तब से आप सभी का शराब पीकर घर में आना कम हो गया है। ये सब देखकर हम औरतों को कितनी खुशी हो रही है, ये तो हमें ही पता है, और जो हम औरतों को खुश करे वो कभी भगवान से कम नहीं हो सकता, गजरा लगा के। ये क्या फालतू की बात है? ये कोई फालतू की बात नहीं है, हम इस चुड़ैल को कुछ भी नहीं होने देंगे। इसने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, बस होने वाली बुराई को कम किया है, ऐसे में कोई इसके साथ बुरा कैसे कर सकता है। गांव की सारी औरतें चुड़ैल के पक्ष में हो गई। ये देखकर चुड़ैल काफी खुश हुई और उसने कहा, वाह क्या बात है, मैं इसी दिन का तो इंतजार कर रही थी, जब इस गांव की औरतें अपना पतियों की शराब पीने की आदत से परेशान हो और उसके खिलाफ आवाज उठाए। मेरा तो काम यही खत्म हो गया, अब मैं यहाँ से चली
ओए नल्ले तांत्रिक, ये देख हो गई ना तेरी टाइम टाइम पिस। चुड़ैल तांत्रिक के बनाए हुए जादू को तोड़ देती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले तांत्रिक को वो अपने जादू से गधा बना देती है। अब ऐसे रहे तू ठगी इंसान। अरे मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। इन गांव वालों की पैसे की लालच में मैंने ये गलती कर दी। मुझसे मुझे 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 छोड़ दे। गधा बना तांत्रिक काफी चिल्लाता रहा लेकिन चुड़ैल ने उसकी एक भी नहीं सुनी और वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ गांव के सारे मर्दों को अपनी गलती का एहसास हो गया और सभी ने अपनी अपनी बीवियों से गलती की माफी मांगी और ये वादा भी किया कि वो अब से शराब को हाथ तक नहीं लगाएंगे। जिसके बाद सभी गांव वापस आ गए लेकिन वो गधा बना तांत्रिक गधा ही बनकर रह गया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।